दोस्तों कुछ समस्याओं की वजह टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जिस वीडियो में मैंने वर्टिकल मिरर की बात की है उसमें ही मैंने हॉरिजॉन्टल मिरर की समस्या को भी सॉल्व करना चाहा था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं हो सका, इसलिए मुझे दूसरा पार्ट में ये देना पड़ रहा है। तो इस पार्ट में देखते हैं हम लोग क्या है कि जब हम वर्टिकल पढ़ते थे लंबवत में तो वहां क्या होता था, पार्श्विक प्रतिबिंब बनता था, अर्थात दायां का बायां, बायां का दायां। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां क्या है, राइट का राइट अर्थात दायां का दायां में ही बनेगा, लेकिन क्या होगा, राइट में जो अप होगा वो राइट में डाउन में चला जाएगा, यानी जो समय की सुई होगी घड़ी में घंटे या मिनट की, वो अगर दायां में ऊपर है तो दायां में ही नीचे चली जाएगी, अगर दायां में नीचे है तो दायें में ऊपर चली जाएगी। उसी तरह से लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहेगी, लेकिन लेफ्ट में अगर ऊपर है तो लेफ्ट में नीचे चली जाएगी, लेफ्ट में अगर नीचे है तो लेफ्ट में ऊपर चली जाएगी। अब रूल्स जो बनाने का तरीका होता है वो बनाने का तरीका मैं छोटू दोस्तों 9-3 या 12-6 के आधार पर देखते हैं, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। 9 और 3 को एक साथ लेंगे या फिर 12 और 6 को एक साथ लेंगे, अर्थात कंसिडर करने के लिए, बनाने के लिए ज्यादा बेहतर हम लोग के लिए 9-3 ही होगा। तो देखते हैं क्या 9-3 पे क्या है कि 9 से एक स्थान ऊपर अर्थात जितना स्थान ऊपर होगा जो सुई घड़ी घंटे की या मिनट की, 9 से उतना स्थान एक स्थान नीचे अर्थात उतना स्थान नीचे लेकर के चला जाना है, अगर 9 से जितना स्थान नीचे होगा तो 9 से उतना ही स्थान ऊपर लेकर चला जाना है। उसी तरह से अगर 3 से जितना स्थान ऊपर होगा 3 के उतना स्थान नीचे पर चला जाना है, 3 से जितना स्थान नीचे होगा 3 से उतना स्थान ऊपर चले जाना है। तो देखते हैं क्या, मैंने एक घड़ी बनाई है, यहाँ समय है आपका 8:10, 8:10 रियल टाइम। अब इमेज में पूछेगा इसी को कि क्या होगा, तो पहले हॉरिजॉन्टल में हम लोग देखते हैं कि बना होता है हॉरिजॉन्टल इस तरह से, लंबवत बना होता था 90 डिग्री कोण के साथ इस तरह से, हॉरिजॉन्टल क्या होता है इस तरह से समानांतर पड़ा हुआ होता है। तो इसमें इस तरह से ये माना पड़ा हुआ है 8:10, क्या करेंगे देखते हैं कि 9 से जितना स्थान ऊपर उतना नीचे, 9 से जितना नीचे उतना ऊपर, 3 से उसी तरह से जितना नीचे उतना ऊपर, जितना ऊपर उतना नीचे कर लेना है। तो देखते हैं पहले घंटे के लिए, घंटे कितना पे है 8 पे है, 8 को देखते हैं 9 के करीब में है, तो 9 से एक स्थान नीचे घंटे के सुई, तो एक स्थान क्या होना चाहिए ऊपर, अर्थात जब 8 पे तो एक स्थान ऊपर होकर कितना चला जाएगा 10 पे, अर्थात घंटा कितना हो जाएगा 10। मिनट देखते हैं 2 अर्थात दो अंक के बीच की दूरी होती है वो 5 मिनट की होती है, तो यहाँ जो 10 मिनट है तो 3 से एक स्थान ऊपर है तो 3 से एक स्थान कहाँ जाना चाहिए नीचे, अर्थात 3 से जब एक स्थान नीचे जाएगा तो 4 पर आएगा, तो 4 पर आने का मतलब 4×5=20 अर्थात 20 मिनट को दर्शाएगा, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 20। तो रियल टाइम अगर 8:10 दिखा रहा है तो 9 से एक स्थान ऊपर जाने पर तथा 3 से एक स्थान नीचे आने पर 10:00 कितना होगा 20 मिनट। आप लोग हमारे विचार के अनुसार, हमारे उम्मीद के अनुसार पूरी तरह से सीख गए होंगे। दूसरी देखते हैं हम लोग कि 10:25 दिखाया है यहाँ पे, 10:25, तो घंटे की सुई 9 से कितना स्थान ऊपर है, एक स्थान ऊपर है, ये नहीं कि 10:30 है तो 10 से हल्का ऊपर है हल्का नीचे, ऐसा नहीं, बस पूरे पूरे डिजिट को लेना है, एक स्थान ऊपर है, जब एक स्थान ऊपर है यहाँ पे 5 है, तो देखते हैं जब एक स्थान ऊपर है तो एक स्थान नीचे लाना होगा, तो 10 है तो 9 से एक स्थान नीचे 8 पर आएगा। अब बात रही कितना मिनट का, ये 25 पर है अर्थात 5 पर, तो यहाँ 3 से देखते हैं 1, 2 स्थान नीचे है 3 से, तो 2 स्थान ऊपर अर्थात 1 और 2 यहाँ अर्थात 5 पर चला जाएगा, तो 1 पर आने का मतलब आप लोग को पता है घड़ी देखने आता है तो 5 मिनट को दर्शाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 मिनट। इस तरह से अगर रियल टाइम 10:25 हो रहा है तो इमेज में कितना 8:05 दिखाएगा। ये जो टाइम बताने का निकालने का तरीका है वो किसमें है, हॉरिजॉन्टल मिरर में। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे वर्टिकल मिरर में और हॉरिजॉन्टल मिरर में समय बताना, और हमें लगता है कि अगर जो क्वेश्चन आएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लेन मिरर से संबंधित और वो भी क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम, तो आप लोग पूरी तरह से बना देंगे। थैंक यू, अगले